दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टीएनपीएल का पांचवा मैच सीएसजी वर्सेस आईटीटी के बीच में आज शाम 7:15 पर खेला जाएगा। वेन्यू वही रहेगा सेम जहां पे सारे मैचेस हो रहे हैं, कोयम्बटूर में ये भी मैच होगा। अब हम बात करते हैं यहां पे कितने मैचेस हो चुके हैं, तो ये रिसेंट मैचेस देख सकते हैं इस बीच पे जो अभी 4 मैचेस खेले गए हैं उनके स्कोर कार्ड आपके सामने हैं। 2 मैच में यहां पे फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोर बने थे, प्लस यहां पे 2 मैच जो बाद में हुए हैं उसमें यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे विकेट ज़्यादा गिरे हैं और सेकेंड इनिंग में यहाँ पे कम गिरे हैं। तो उस हिसाब से अभी यहाँ पे पिच का जो बिहेवियर है थोड़ा सा बदल रहा है, उस हिसाब से हम टीम क्रिएट करेंगे। पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे बैलेंस विकेट इसको मान के चलते हैं, स्पिनर्स को थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे फायदा मिल सकता है सेकेंड इनिंग में प्लस फर्स्ट इनिंग में। उसके बाद यहाँ एवरेज स्कोर की बात करें तो 130 प्लस माइनस यहाँ पे एवरेज स्कोर बन सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, आपको करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम में जाना है @fantasycap सर्च करना है, सेम यूजर नेम आपको दिखेगा, उसी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी किसी फेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। उसके बाद हम बात करते हैं रिसेंट मैचेस की, तो यहाँ पे रिसेंट मैचेस देख सकते हैं दोनों टीमों के। सीएसजी ने यहाँ पे लास्ट 5 में से 4 मैच विन किए हैं, वहीं आईटीटी ने यहाँ पे लास्ट 5 में से 3 लॉस किया है, 2 विन किया है। अब बात करते हैं हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड में यहाँ पे देख ले सीएसजी ने 1 मैच विन किया है, आईटीटी ने 0 मैच विन किया है। प्लेइंग 11 की बात करें तो सीएसजी के प्लेइंग 11 देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैच हो चुका है, उसके हिसाब से यहाँ पे स्कोर कार्ड मैंने लिखे हैं यहाँ पे, और फर्स्ट मैच में किसने कितने रन बनाए, किसने कितने यहाँ पे विकेट लिए हैं आपके सामने हैं। पीआर पॉल ने यहाँ पे फर्स्ट मैच में यहाँ पे 88 रन बनाए थे, एन जगदीशन ने फर्स्ट मैच में 35 रन बनाए, बी अपराजित ने यहाँ पे फर्स्ट मैच में 29 रन प्लस 2 विकेट लिए थे, यश यादव ने फर्स्ट मैच में यहाँ पे 31 रन बनाए थे चौथे नंबर पे आके, एस एच कुमार ने यहाँ पे फर्स्ट मैच में 8 रन 1 विकेट लिए थे, आर सतीश ने यहाँ पे छठवें नंबर पे 0 रन, यू शशिदेव 4 रन, आर शाह 1 विकेट, आर रोहित 0 विकेट, एम शिला मिश्रन यहाँ पे 1 विकेट, एम वी वरुल 2 विकेट, बी रॉकी 2 विकेट। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे स्कोर कार्ड लिख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट मैच में किसने कितने यहाँ पे विकेट लिए प्लस कितने रन बनाए, और सेम यहाँ पे बैटिंग पोजीशन यही रहेगी, ऐसे ही बैटिंग करने आएंगे तो यही प्लेइंग 11 रहने वाले हैं इस मैच में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आईटीटी के प्लेइंग 11 देख लेते हैं। आर तेहजा 33 रन बनाए थे, एन एस चतुर्वेद ने यहाँ पे 4 रन, के वी वैद ने 16 रन, वी शंकर ने 2 रन प्लस यहाँ पे 3 विकेट लिए थे, यश किशोर ने यहाँ पे 1 रन प्लस 2 विकेट लिए थे, यश गणेश ने यहाँ पे 1 रन प्लस 0 विकेट, बी सीताराम 3 रन, आर विवेक 6 रन, एस ए राम 11 रन 0 विकेट, पी भुवनेश्वरम 12 रन 1 विकेट, यश मणिगंदम 8 रन 0 विकेट। तो सेम प्लेइंग 11 रहने वाली इस टीम के भी, इसी के अकॉर्डिंग ये भी बैटिंग करने आएंगे, आप यहाँ पे इनके स्कोर भी देख सकते हैं प्लस यहाँ पे विकेट किसने कितने लिए हैं उस हिसाब से अपनी टीम में इनको ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुड प्लेयर की, तो गुड प्लेयर देख लें पी आर पॉल, एन जगदीशन, बी अपराजित, यश यादव, वी शंकर, यश किशोर या मरूल, ये जो प्लेयर हैं गुड फॉर्म में हैं इनको अपनी टीम में आप रखें। उसके बाद बात करते हैं एवरेज प्लेयर की, एवरेज प्लेयर यहाँ पे देख लें एच एस किशोर, एम शिला मिश्रन, पी भुवनेश्वरम, टी रहेजा, आर शाह, के वी वैद, वी रॉकी, बी एस राम, एस ए राम, जी पेरियास्वामी, ये जो प्लेयर हैं एवरेज है, इनको अपनी टीम में रख सकते हैं एक दो प्लेयर को, बाकी किसी प्लेयर को यहाँ पे एवरेज है तो इस हिसाब से इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैड जो फॉर्म में नहीं है, ऐसे प्लेयर्स को आप ड्रॉप कर दें, आर विवेक, यू शशिदेव, यश मणिगंदम, आर सतीश, एन एस चतुर्वेद, जी पेरियास्वामी, आर रोहित, जी गणेश, ये जो प्लेयर फॉर्म में नहीं है इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाए, तो कैप्टन वाइस कैप्टन देख ले बी अपराजित, वी शंकर, एस यादव, यश किशोर, इन चारों प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। चलिए बल्लेबाजी पे कुछ मैं आपको यहाँ पर टिप्स दे दूँ, कुछ ऑफर के बारे में बता दूँ जिनका लाभ अपने उठा रहे हैं तो उठाना चालू कर दें। तो TNPL में अगर आप डिपॉजिट करते हैं 10,000 रुपये तो यहाँ पे गेट 10% एक्स्ट्रा बोनस, यहाँ पे 10,000 अगर डिपॉजिट करते हैं तो 10% का आपको यहाँ पे बोनस मिल सकता है, तो जाके लाभ उठाएं। यहाँ पे कोड है TN10, इसको अप्लाई कर दें यहाँ पे और 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दें, आपको यहाँ पे 10% बोनस मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख ले 39 में 100% बोनस यूज रहा है, यहाँ पे 25,000 विन करने का मौका मिल रहा है, 1,00,000 की ग्रैंड लीग है तो जाके इसको भी ज्वाइन कर ले। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ 100% यहाँ पे बोनस यूज रहा है,
प्लस यहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने बोनस का फायदा उठाना है। यहाँ पे सकते हैं, यहाँ पे 20% बोनस यूज हो रहा है, 10% बोनस यूज हो रहा है, 10% बोनस यूज हो रहा है, सारे लीग यहाँ पे 20% 10% बोनस यूज हो रहा है। तो जाके यहाँ पे खेलना स्टार्ट करें, बाकी कहीं और आपको यहाँ पे 10% 20% नहीं मिलेगा। तो जाके यहाँ पे ज्वाइन कर ले बल्लेबाजी में, और यहाँ पे 1 का 10 मिल रहा है, 1 रुपये में आपको 10,000 विन करने का मौका मिल रहा है। तो जाके बल्लेबाजी पर इन्वेस्टमेंट करें, और यहाँ पे ग्रैंड लीग खेलना है तो सिर्फ बल्लेबाजी भी खेलें। और अगर आप स्टेट्स फैंटेसी नहीं खेलने हैं जहाँ पे आपको 100% विनिंग होने वाली है, तो आप खेलना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता देता हूँ क्या करना है। स्टेट्स फैंटेसी पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे। कोई भी आप सेलेक्ट कर ले, कोई भी आप सेलेक्ट करके उसको प्ले नाउ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे फर्स्ट पे ही मैं क्लिक कर देता हूँ प्ले नाउ पे। तो प्ले नाउ पे क्लिक करने के बाद अंदर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ना है। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि इस मैच में CSG की टीम विन करने वाली है, तो यहाँ पे और यहाँ पे बाउंड्री जो है 7 से अधिक लगेगी। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है, मतलब CSG की टीम विन करने वाली है और 7 से ज़्यादा बाउंड्री लग सकती है इस पूरे मैच में। तो आपको लगता है सही है दोनों क्वेश्चन, तो यहाँ पे ट्रू पे क्लिक कर दें। और अगर लगता है कि इनमें से एक भी फाल्स है या फिर दोनों गलत है, तो यहाँ पे फाल्स पे क्लिक कर दें। उसके हिसाब से यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आपको बस इतना ही देखना है कि दोनों सही है तो ट्रू पे क्लिक करें, अगर एक भी यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे फाल्स पे क्लिक करें, और अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके आपको खेलना स्टार्ट कर देना है। तो स्टेट्स फैंटेसी का मतलब यही है कि अपने नॉलेज के बेसिक पे यहाँ पे विन कर सकते हैं, और यहाँ पे इजी है यहाँ पे विनिंग करना है। तो आपको यहाँ पे पता ही है कि CSG की टीम है जो स्ट्रांग है, यहाँ पे विन कर सकती है इस मैच को, और 7 से ज़्यादा यहाँ पे बाउंड्री लगेंगी, 100% आपको विनिंग होगी यहाँ पे। और यहाँ पे लूडो नहीं खेलना है तो लूडो यहीं पे खेले, क्योंकि अदर ऐप्स पे यहाँ पे डाउनलोड करके, अदर ऐप्स की लूडो डाउनलोड करके आप खेलते हैं, उससे अच्छा यहीं पे खेलें। लूडो पे क्लिक करके सिंपल आपको यहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेने हैं। आपके सामने कॉन्टेस्ट आएंगे बहुत सारे, उनमें से कोई भी कॉन्टेस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 5 रुपये की लीग हुई, उसको ही ज्वाइन करके आप खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 रुपये की स्टार्ट कर लें आप, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑफर चल रहे हैं, उनका लाभ उठाएं यहाँ पे। तो आके यहाँ पे खेलना है तो सिर्फ लूडो, बल्लेबाजी भी खेलें। अब हम बात करेंगे हमारी स्मॉल लीग की टीम क्या रहने वाले, स्मॉल लीग की टीम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख ले, स्मॉल लीग की टीम में एन जगदीशन को मैंने विकेट कीपर सेक्शन में रखा है, यश यादव यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में, KV वैद्य हैं, SM अली हैं बैटिंग सेक्शन में, उसके बाद बी अपराजित, वी शंकर, SH कुमार, आर विवेक को मैंने यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में रखा है, RS किशोर हैं, यस मणिगंधम, MC लामबसरन को मैंने यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में रखा है, और कैप्टन वाइस कैप्टन देख सकते हैं हमारे यहाँ पे तगड़े हैं, बी अपराजित और वी शंकर को मैंने बनाया है। आप यहाँ पे RS किशोर को भी बना सकते हैं, 3 यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं। यस यादव को भी यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं। तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, यही हमारी फाइनल है, और कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी। तो इस टीम से आप जाके यहाँ पे 39 की जो 100% बोनस यूज हो रहा है उसको ज्वाइन कर ले, और प्लस यहाँ पे 20% जो बोनस यूज हो रहा है उसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर ले, हेड टू हेड भी ज्वाइन करके इसी टीम से आप रख ले। और हमारी जो रहेगी अभी के लिए फाइनल यही रहेगी, इसमें कुछ चेंजेस होने वाले तो नहीं है, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको 1-2 चेंजेस करके आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। उम्मीद है आपको सारे को जो वीडियो में मैंने डाटा शेयर किया वो आपको विन करने में हेल्प करेगा। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।